उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले बीजेपी में शिंदे गुट का यूज एंड थ्रो, इसलिए सरकार में अस्थिरता। अब शिंदे समूह को पता चल जाएगा कि बीजेपी के लोग उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के उद्घाटन पर नागपुर पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। शिंदे ने की आरएसएस की तारीफ, कहा मोहन भागवत हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत। कार्यक्रम में मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और गौतम अडानी भी रहे मौजूद। शिवसेना की संपत्ति के मामले में उद्धव ठाकरे गुट को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाली याचिका। याचिका में उद्धव गुट को शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्तियों को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की गई थी मांग। मुंबई में 1 मई को होगी एमबीए की संयुक्त रैली, वज्रमूठ सभा से जुड़ा टीजर हुआ जारी। टीजर में दिखाई दी उद्धव ठाकरे, अजित पवार और नाना पटोले की आक्रामक झलक। महाराष्ट्र के ठाणे में 50 वर्षीय व्यक्ति के साथ हुआ साइबर फ्रॉड, पार्ट टाइम नौकरी का झांसा देकर लूटे 11 लाख रुपए, ट्विटर पर किया था संपर्क, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ठाणे में 15 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लड़की को बहाने से बुलाकर किया कृत्य। महाराष्ट्र के खोपोली में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 11 गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत में 4 लोग गंभीर घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ट्रक के ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। महाराष्ट्र समेत देश भर में अगले 5 दिनों तक होगी मूसलाधार बरसात, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम बारिश होने के आसार, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी ओले गिरने का अनुमान। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद आया फैसला, सूरज पंचोली को कैद से किया गया बरी। क्लीन चिट मिलने के बाद सूरज ने इंस्टाग्राम पर खुशी की जाहिर। अड़सठवें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बॉलीवुड की हसीनाओं ने बिखेरा हुस्न का जलवा, सलमान खान, रेखा, जानवी कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब पहुंचे ग्लैमरस अंदाज में। आलिया भट्ट ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।